रूसी बमबारी में कम से कम 3 यूक्रेन के नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। सुमी ओब्लास्ट के ओख्तिरका में रूस ने बमबारी की और उस बमबारी में 3 नागरिकों की मौत की खबर आई है। रूस ने रिहायशी इलाकों में ये बमबारी की है। राजेश, अपनी बात पूरी करते हुए ये भी बताइए कि रूस की सेना रिहायशी इलाकों में बमबारी क्यों करने लगी? देखिए सईद, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, पहले दिन से, लड़ाई शुरू होने के पहले दिन से, इस लड़ाई में कई इसके एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं है, इस युद्ध का सबसे प्रमुख एलिमेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो रूस काफी हारता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये खबर भी मिली है, ब्यूरो को खबर मिली है, कहां से खबर मिली है कि 3 लोग मरे हैं और रिहायशी इलाकों में अटैक से मरे हैं? कीव सोर्सेज से, यूक्रेनियन सोर्सेज से खबर मिली है ये, और इसको कितना सच है या इसको वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो जो ये वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, और इस इंफॉर्मेशन वॉर का अभी पूरा टारगेट वेस्ट की पब्लिक है, दुनिया की पब्लिक ओपिनियन है, ताकि बच्चों का मौत, आम लोगों की मौत को दिखा के किसी तरह से उनके दिल के ऊपर एक कब्जा किया जाए और वो अपनी गवर्नमेंट्स को फोर्स करें ताकि नेटो और अमेरिका इस युद्ध में कूद सके। तो ये कंफर्म करना कि रिहायशी इलाके में हुआ है, नहीं हुआ है, कितने लोग मरे हैं या बिल्कुल नहीं मरे हैं, बिल्कुल कहना असंभव है। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है फॉग ऑफ वॉर, कि ये जो एक वॉर के दौरान जो इंफॉर्मेशन की कमी होती है, वेरिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है, ये उस तरह का एक सिनेरियो इस वक्त है सईद।